रायपुर में पुलिस ने सिमी के स्लीपर सेल कार्यकर्ता वांटेड अजरुद्दीन खान उर्फ अजहर उर्फ केमिकल को गिरफ्तार कर लिया है। वो 6 साल से सऊदी अरब में नाम बदल कर रह रहा था। वहाँ अजरुद्दीन खान टैक्सी चला रहा था। वहीं सऊदी से फ्लाइट में बैठकर जैसे ही वो हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचा, पहले से ही अलर्ट पर रही टीम ने उसे पकड़ लिया। पुलिस को उसके पास से ढेरों फर्जी आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, वेंडिंग पास और रायपुर का बना हुआ पासपोर्ट मिला है। रायपुर पुलिस को सफलता मिली है। कल इस आरोपी को हैदराबाद से हमारी टीम ने और एटीएस ने ज्वाइंटली दबोचा है और इसको यहाँ पे रायपुर में ले आए हैं। ये मुख्यतः संगठन का काम करता था सिमी का, और आसपास के लोगों को जोड़ना, प्रचार प्रसार करना, ये इसका मुख्य काम था। पटना और बोधगया बम धमाके से जो रिलेटेड लोग थे उनको ये रायपुर में लाया था और यहाँ पे उनको शरण दिया था और उनके बाकी की सभी व्यवस्थाएं इसी आरोपी ने किया था। और अभी रायपुर पुलिस ने जब गिरफ्तार किया है तो अभी हम लोग कोर्ट में पेश कर रहे हैं। 2 दिन का पीआर लेंगे हम लोग और इसके और भी पूछताछ करने के पश्चात जो भी जानकारी आएगी उसके पश्चात हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। ये इस पे क्या, उस समय तत्कालीन जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो भी इसके टारगेट पे थे क्या? जी हाँ, ये बोधगया और पटना जो था वहाँ पे वहाँ पे तो धमाका करने की मतलब उसमें प्लानिंग किया था। बोधगया में तो धमाका हुआ था, इसमें इसका रोल था। बता दें कि 6 साल पहले साल 2013 में नरेंद्र मोदी की पटना सभा और बिहार के बोधगया में बम ब्लास्ट की साजिश रचने और आतंकियों को रायपुर में पनाह देने का इस पर आरोप है। इस मामले में अजहर 18वां आरोपी बनाया गया था। न्यूज़ डेस्क।